पापा से बोल दूंगी। सारी वेस्टर्न फिल्म का है ये तो डांस। लक चरफी ठंड लग रही है इसको। खाना खा लो, खाना बोलो आ जाओ यार, आराम से आराम से आराम से। पालची को ध्यान रखिए, सिर्फ ना मुंह ही धो सकते हो। राफ्टिंग करने लगे। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घर में। अभी दोपहर के बज चुके हैं 3, हम लोग बहुत लेट उठे हैं आज, उठे हैं यार 2:30 बजे उठे थे हम। और घर में मतलब 2-3 दिन से, 1 हफ्ते से फ्रूट्स सब्जियां सब कुछ खत्म है और घर की ग्रोसरी भी पूरी खत्म है। तो आज मेरा और गोलू का पूरा दिन जाएगा, पहले सामान लेके आएंगे फिर घर में लाके लगाएंगे, तो पूरा समय उसी में जाएगा। क्योंकि सामान लाना इजी होता है लेकिन उसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है घर में। कौन सी चीज कहाँ रखनी है, डब्बों में डालनी है, फ्रिज में सामान रखना है, बहुत टाइम लगता है। तो गाइस, जिम से आने के बाद हम लोगों ने जूस ले लिया था और खाना कुछ नहीं खाया क्योंकि प्रोटीन और जूस दो चीज ले ली है, हैवी चीज हो गई है। तो अभी क्या है, हम लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं सारी पूरी फैमिली, तो मैं यहाँ कर रही हूँ पैकिंग। तो आपको लग रहा होगा ये इतनी पैकिंग है, नहीं ये सारा हमें पैक करना है। चीकू लगेज टूट गया ना, मैं पापा से बोल दूंगी। समझ में आ रहा है आपको? छोटी बच्ची हो क्या? ये सारे वेस्टर्न है और मैंने इसमें इंडियन ड्रेसेस भी रखी है, 2 साड़ी रखी है, 2 सूट रखे हैं। अगर हमें वहाँ पहनने का मौका मिला तो जरूर पहनेंगे हम। गोलू ने ये टॉप रखा है, ये हमारे बचपन का टॉप है जो हमने कभी नहीं पहना। गोलू कह रही है अभी पतले होंगे, क्या पता हमें आ जाएगा। ये टॉप देखो, यहाँ पे चल रही है चीकू के पापा की पैकिंग और सारे के सारे जो नए कपड़े थे, चीकू के पापा की नई जीन्स हो गई, नया लोअर हो गया, सब कुछ रख लिया है। पर हमारी पैकिंग तो हो गई है, इसके बाद हम मैं पैक करूंगी शैम्पू और जो भी सामान होता है ये वाले बैग में, क्योंकि कभी भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो जिम वाले बैग जो है उसमें काफी स्पेस है, तो उसी के ना डाल दिए सब कुछ, ड्रायर हो गया, शैम्पू हो गया ये। और ये वो कपड़े जो अभी आए हैं ड्रैकलीन होकर, जो हमने शादी के टाइम पहने थे, सूट हो गए, मतलब अजमेर में पहने थे वो कपड़े हैं। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, मैंने ये पहना है और गोलू ने पहना है ये। ये हमारे पास काफी टाइम पहले आया था पर हमने पहना नहीं, आज हमने पहना है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने तो थोड़ा अच्छे से बन के जाना चाहिए। सारी पैकिंग हो चुकी है, अभी चीकू के पापा गए अपने लिए टी शर्ट्स लेने, क्योंकि जब हम आज शॉपिंग करने गए थे उनके लिए तो वहाँ पे उनको टी शर्ट कुछ पसंद नहीं आई तो वो कहीं और गए लेने। उसके बाद हम लोग निकलेंगे, अभी कालू भैया नीचे जा रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं और सारा सामान जो है वो लोड करवा रहे हैं। हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं ना तो सेफ्टी पिन नहीं होती, तो मैंने बड़ी सेफ्टी पिन 2 रख ली और कुछ पिन्स रख ली और पायल और मेरे लिए साइड पिन रख ली। तो ये बैग भी हमारा नया बिल्कुल रखा हुआ था बेड में, काफी टाइम बाद हमने निकाला है। हमने सोचा कि ऐसे ये वाले ब्राउन ब्लैक और ये बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं तो आज ये लेके जाते हैं साथ में। और भी बहुत सारे बैग हैं पर हम लोग निकालते ही नहीं है। तो शाम का खाना बनवा लिया था, ये राइस है, ये छोले हैं, बट हम लोग जा रहे हैं तो ये सारा खाना जाएगा नीचे, क्योंकि नीचे बच्चे हैं तो वो लोग खा लेंगे, वेस्ट नहीं होगा खाना। तो ये सारे कपड़े जो हैं चीकू के पापा के देने हैं टाइट कराने के लिए, क्योंकि सब लूज है। और ये कालू भैया गए थे आज लेकिन टेलर मिला नहीं। आज मैंने नया थैला बनाया है, ये सारे शैम्पू और कोलगेट सब इसमें है, मैंने नया थैला बना दिया आज। आज का ना पूरे दिन का पता नहीं चला, मतलब हम लोग जिम गए, जिम से आए 6 बजे, उसके बाद पैकिंग करना स्टार्ट कर दी, पूरे 2 से 2.5 घंटे लगे पैकिंग करने में और अब बज चुके हैं रात के 8, और पूरा दिन कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। तो इस ट्रिप पे हमारे साथ एक बंदा नहीं जा रहा है जो हमेशा हमारे साथ होता है, वो है नितिन भैया, क्योंकि नितिन भैया की जो बहन है वो बहुत टाइम बाद 6 साल बाद घर आई है, तो नितिन भैया जा रहे हैं घर पे, इसलिए नितिन भैया इस बार हमारे साथ ट्रिप पे नहीं जा रहे। तो कालू भैया यहाँ गोलू को डांस सिखा रहे हैं, क्योंकि गोलू गाना थोड़ा हार्ट टाइट है डांस में, तो कालू भैया स्टेप सिखा रहे हैं। और हाथ इधर, ये कंधा ऊपर, ये तो ये एक फेमस फिल्म का है ये तो डांस, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी करता है वो। अच्छा, दोनों साइड करना पड़ेगा गोलू, दूसरा करके दिखा गोलू, पहले दूसरा, पहले वो कर, ऐसे थोड़ी है गोलू, तेरी झलक चरफी। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, सारा सामान पहुंच गया नीचे, चीकू के पापा भी आ गए हैं। गोलू आ जा, सबसे लेट तू आती है बेटा, क्या हो गया बेटा? चक्कर आ रहे हैं उसको, कह रही है। तो मैंने रास्ते के लिए क्या अभी के लिए ना थोड़ा सा छोले चावल पैक कर लिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग, हाँ बहुत तेज भूख लग रही है। और गोलू ने तो चलते चलते पूरा आधा पेट खा लिया और साथ में सामान भी बहुत सारा, इसलिए खाने पीने का पैक कर लिया ताकि रास्ते में खा सके, पानी भी बहुत। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं क्योंकि हम ले रहे हैं गद्दा, क्योंकि चीकू को पीछे बहुत ज्यादा स्पेस है पीछे, तो चीकू सोते हुए चला जाएगा। वैसे तो रास्ता 150 किलोमीटर ही है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि चीकू की नींद हो जाएगी तो वहां जाके एंजॉय कर पाएंगे थोड़ा बहुत। अब बस बचा है रास्ता 18 मिनट का और हमने जो पूरा रास्ता है वो पार कर लिया है और चीकू ने अपनी नींद भी पूरी कर ली। अब चीकू भी उठ चुका है, वहां जाते ही चीकू करेगा फुल मस्ती। अभी अभी एक प्रॉब्लम हो गई थी, चीकू को वॉमिट हो गई थी, तो चीकू ने वॉमिट किया, ऐसे पूरे रास्ते ना अजीब अजीब सा लग रहा था, या मैं बोल रहा था कि मम्मा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। कई बार ये आगे गया, आगे भी बैठा, पीछे भी गया, पर ये परेशान सा हो रहा था। अब जाके वॉमिट हुई, अब ये रिलैक्स हो गया है,
मतलब कुछ ना कुछ अड़ा हुआ था, जिसने कुछ ऐसा खाया है ना जिससे इसका पेट खराब हो गया ना बेटा। अब ठीक लग रहा है ना? हाँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रिजॉर्ट पे और यहाँ पे स्विमिंग पूल में पानी भर रहा है। अभी चीकू स्विमिंग पूल में तरने वाला है और अरमान जी को और सभी को इतनी ज्यादा भूख लगी क्योंकि हम कहीं भी रास्ते में रुके नहीं है। घर से छोले चावल लाए थे मैंने, गोलू ने और चीकू ने और लक्ष्य ने तो खा लिया था, बस बाकी लोगों ने नहीं खाया था। तो वो सारे लोग अभी खाने जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बस थोड़ी देर में पूल के अंदर मिलेंगे सब लोग। तो भाई चीकू ने बिल्कुल वेट नहीं किया स्विमिंग पूल पूरा भरने के लिए, ये अभी से डुबकी मार के बैठा हुआ है। चीकू कैसा लग रहा है? अभी कितनी डुबकी और मारनी है? चीकू की तबीयत खराब हो गई थी, हमें बहुत बुरा लगा। क्या हुआ चीकू? मम्मी के साथ जाना। मैं नहीं जाऊंगी चीकू, आप ही जाओ। तो पापा के साथ चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। गुड्डू चले जाओ ना, बच्चा कह रहा है। जाओ गुड्डू, पहले साफ करवाऊंगी। चीकू बेटा पानी बिल्कुल साफ है, आप नीचे जाओ डुबकी मारो और थोड़ी देर सोचो, मम्मी अंदर ही है पानी में, ये सोच के कूदो। हाँ जा मेरे शेर, पहले ठंड लग रही है इसको, कांप रहा है, कांप रहा है गोलू, कांप रहा है देख। अरे साफ करवा दो चीकू, एक काम कर कपड़े चेंज करके अंदर सो जा चल। चीकू क्या हुआ बेटा? जाना है, चाबी ले लो। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का पानी के अंदर, क्योंकि भाई ठंडे पानी से मुझे लगता है बहुत डर, और प्लस पानी से मतलब मेरे माइंड में ना फोबिया है पानी को लेकर, इतना बड़ा फोबिया ना कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, चाहे पानी थोड़ा हो चाहे पानी बड़ा हो, बड़ा हो ज्यादा हो, ज्यादा हो। तो अभी मैं पायल और लक्ष्य आ रहे हैं ऊपर क्योंकि यहाँ पे सारे बॉयज कर रहे हैं स्विमिंग। तो चीकू के पापा ने बोला तुम जाओ जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो पायल चले। हाँ चल चले। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा रूम और सीरियसली बड़ा क्यूट सा रूम लग रहा है, छोटा सा, और जो सोफा सेट है ना यहाँ का बहुत ही सुंदर लग रहा है, बाहर का व्यू भी अच्छा है। तो बाहर है खुली खुली खाली बालकनी पूरी। तो खाना लग चुका है, अब हम जा रहे हैं खाने के पास और देखते हैं खाने में क्या क्या है, और आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या मंगाया खाने के लिए। तो बहुत लजीज खाना आ चुका है, राइस है, पालक पनीर है, मिक्स वेज है, ये क्या भैया? पनीर बटर मसाला, सैलेड भी है और रोटी भी है, राइस भी है। बहुत मजा आने वाला खाना खाने में, बहुत देर बाद अच्छा खाना खा रहे हैं। बारिश जैसा मौसम हो रहा है। अरे वो चल रहा है, फराटा चल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं कह रही हूँ बारिश कैसे आ रही है? अम्मा हाँ जी, उस टाइम ना मेरी ऐसी उल्टी थी, ऐसी उल्टी वाली मेरी हालत हो रही थी। हाँ हालत हो रही थी, अब इतनी अच्छी फील है, इतनी अच्छी फील है बॉडी को, इतनी अच्छी फील है पानी के अंदर, इतनी अच्छी फील है, फिर से दोबारा आऊंगा मैं अंदर। ठीक है चले जाना। तो भैया हमारा फ्रूट आ गया है और पायल और गोलू खा रहे फुल दबा के रोटियाँ, चीकू चावल खा रहे और हम खाएंगे फ्रूट। डाइट का पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गोलू जी आप क्यों नहीं खा रहे कुछ? मैं खा रही हूँ रोटी, खा रही हूँ फ्रूट। पानी खाना खा लो, खाना आपने ले लिया? हमने भाई बैग खोल लिया, अब हम लोग जा रहे हैं चेंज करने क्योंकि हम लोग जाएंगे पूल में और पूल के लिए ये ड्रेस सही नहीं है, इसलिए हम निकाल रहे हैं शॉर्ट्स और टी शर्ट, उसके बाद हम चेंज करके जा रहे हैं नीचे पूल में। और ये जो रूम है ये हम लड़कियों का है, हम लड़कियां आज यहीं स्टे कर रही हैं। क्या पहन ली? मारुति। मारुति मूर्ति क्या होता है? मारुति बेटा ये निकाल दिए मैंने कपड़े, शॉर्ट्स निकाल दिए और एक शर्ट निकाल दिए, पहन के आ रही हूँ बस 5 मिनट में। ठीक है, मैं और पायल ने ना इतना टाइम लगाया पैकिंग करने में, मतलब कि इतने सारे कपड़े लेकर आए, हम सूट भी लेके आए हैं, साड़ी भी लेके आए हैं, शॉर्ट्स भी लेकर आए, क्रॉप टॉप भी लेकर आए, वन पीस भी लेकर आए, पर अभी समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं, मतलब कि मैं अभी ये पहन रही हूँ शर्ट और पायल पहन रही शॉर्ट्स। तो मैंने कर लिया चेंज और मैं आ गई हूँ नीचे, गोलू और गोलू अभी आ रही है ऊपर से और हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने। तो बस गोलू भी नीचे आने वाली है और नीचे आते हैं हम लोग जाएंगे सीधा स्विमिंग पूल में। और पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है क्योंकि चीकू पहले नहा चुका है और चीकू कांप रहा था जब ये नहाने गया अंदर, पानी ठंडा है क्योंकि ये पानी बिल्कुल फ्रेश अभी अभी भरा गया है। तो बस गोलू आ जाए यार। चीकू ताऊ जी का कैमरा लेने गए थे, आराम से आराम से आराम से। चीकू इतनी देर से गोलू को आवाज लगा रही, गोलू आ जा, गोलू आ जा, गोलू आ जा, पर गोलू आने का नाम ही नहीं ले रही है। अब गोलू आएगी तभी मैं जाऊंगी स्विमिंग पूल में, अकेले तो मैं जाऊंगी नहीं बिल्कुल भी। चीकू तो बिल्कुल रेडी हो गया दोबारा नहाने के लिए ना चीकू? हाँ चीकू बिल्कुल रेडी हो गया है और चीकू कभी भी किसी भी चीज से डरता नहीं है, ना पानी से, ना कूदने से, कहीं से भी कुछ नहीं डरता। पहले डरता था चीकू पानी से। तो गोलू भी आ चुकी है, अब बस हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। चले गोलू, चलो चले चलो बाहर चले नाने। दिस इज ड्रेस गोलू स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल कह रही हो, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हमने ड्रेस चेंज करी है।
आज ब्लू ड्रेस पहन के ब्लू है, पानी पानी है ना। पाल चीकू को ध्यान रखियो, पानी बहुत डूंगा है। तो भैया चीकू इतना बोल्ड लड़का है, ये लड़कियां दोनों पीछे इनका जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ठंडा पानी बहुत है, मैं भी अंदर गई ना, इतना इतना पैर में पानी गया, वो इतना ठंडा। ये देखो चीकू को देख लो, ऐसे लग रहा है कुल्लू मनाली में आ गई हूं। कुल्लू मनाली में तो बहुत ठंड होती है गोलू, वहां तो तुम पानी से सिर्फ ना मुंह ही धो सकते हो। आज ग्रीन है, पानी 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 पानी, ग्रीन थोड़ी होता पानी। तो गाइस इस वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल वाला व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कल राफ्टिंग करने। लाइफ में पहली बार राफ्टिंग करेंगे हम सभी लोग, मतलब हम में से किसी ने भी राफ्टिंग नहीं करी है। तो कल क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा धमाल होने वाला है। तो कल वाला व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलेगा। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।